हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आकारों के परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर के बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। बन्नो ने अब साड़ियों के साथ साथ डिजाइनर चद्दर बेचनी शुरू की है। क्यों ना मैं इन चद्दरों के किनारों पर सुंदर लेस लगा लूं? ये सोचकर बन्नो ने मार्केट से 14 मीटर लंबी लेस खरीद ली। मेरे पास जो चद्दर है उन सभी की लंबाई 5 मीटर है, लेकिन उनकी चौड़ाई अलग अलग है। अब मैं इस 14 मीटर लंबी लेस को इनमें से किस चद्दर पर लगाऊं ताकि कोई लेस बचे या कम ना पड़े? बन्नो ने सोचा। लेस की कुल लंबाई 14 मीटर है और अगर मुझे इस लेस को चद्दर की सभी किनारों पर लगाना है तो चद्दर का परिमाप पेरीमीटर लेस की लंबाई के बराबर होगा। चद्दर आयत रेक्टेंगल आकार की है, इसलिए इसका परिमाप होगा लंबाई में चौड़ाई जोड़ और फिर एक बार लंबाई में चौड़ाई जोड़। दूसरे शब्दों में इसका परिमाप होगा 2 गुना लंबाई में 2 गुना चौड़ाई का जोड़। चद्दर की लंबाई है 5 मीटर, इसे मैं यहाँ लंबाई की जगह लिख लेती हूँ। अब अगर मैं परिमाप में से 2 गुना लंबाई को घटा दूँ तो मुझे 2 गुना चौड़ाई मिल जाएगी। इस तरह 2 गुना चौड़ाई है 14 में से 10 घटाकर 4 मीटर। अरे वाह, चद्दर की चौड़ाई इसका आधा या 2 मीटर है। बन्नो ने झट से उन चद्दर में से 2 मीटर चौड़ाई वाले चद्दर के किनारों पर लेस लगा ली। बन्नो की चद्दर मार्केट में बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब बन्नो को टेबल क्लॉथ बेचने हैं। अगर बन्नो ने 16 मीटर लंबी लेस खरीदी है तो क्या आप बता सकते हैं कि बन्नो जिस वर्ग स्क्वायर आकार के टेबल क्लॉथ पर ये लेस लगाएगी उसके किनारों की लंबाई कितनी होगी? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। वर्ग आकार के सभी किनारों की लंबाई समान होती है, इसलिए वर्ग आकार का परिमाप ढूंढने के लिए हम उसके किसी भी एक किनारे की लंबाई को 4 से गुणा कर सकते हैं। बन्नो के लेस की लंबाई 16 मीटर वर्ग आकार के टेबल क्लॉथ के परिमाप पेरीमीटर के बिल्कुल बराबर होगी। दूसरे शब्दों में 4 गुणा 1 किनारे की लंबाई 16 मीटर के बराबर है, इसलिए एक किनारे की लंबाई होगी 16/4, 4 मीटर। बन्नो की दुकान जोरों से चलने लगी, इसलिए बब्बन भी बन्नो की सहायता करने में जुट गया। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा आकारों के परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर के बारे में और जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे।